हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम तथा एचसीएफ को भाग विधि से कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पढ़ना है एलसीएम तथा एचसीएफ, और देखिए हमको भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सबसे छोटा सार्व अपवर्त को उन संख्याओं का लसापा कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सबसे छोटा सार्व अपवर्त को उन संख्याओं का लसापा कहते हैं। तो लसापा की परिभाषा हो गई, लसापा किसे कहते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल इस तरह का ले लेते हैं कि 8, 16, 32 और 64 का लसापा ज्ञात करें। तो देखिए, अब इसका हम लसापा कैसे भाग विधि से ज्ञात करते हैं, यह हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो दोस्तों, चलिए हम अब इसका लसापा ज्ञात करते हैं। तो देखिए, लसापा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 8, 16, 32, 64। इसके बाद अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो से भाग करेंगे। इस विधि को, इस मेथड को हम भाग विधि भी कहते हैं, इसको हम सारणी विधि भी कहते हैं, इसे आप सारणी विधि भी कर सकते हैं। यह सारणी विधि कहिए या भाग विधि कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों देखिए, तो 8 को हम जब दो से भाग करेंगे, तो 8 को जब 2 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके बाद 2 चौक 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 8 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32। इसी तरह से फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया 2 चौक 8 और ये हो गया 2 8 16 और ये हो गया 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 8 हो गया। फिर हम 2 से भाग कर देंगे तो देखिए ये हो गया 1, यहाँ यहाँ पर 1, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 चौके 8। इसके बाद हम फिर 2 से कर देंगे तो देखिए 2 से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 एक कम 2 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। इस तरह से फिर 2 से भाग कर देंगे, जब फिर 2 से भाग करने कितना हो जाएगा, ये देखिए हो गया यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और ये 2 एक कम 2 हो गया। इस तरह से पूरा पूरा कट गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लसापा, या इसको आप एलसीएम भी लिख सकते हैं। तो लसापा बराबर आप लिख देंगे, देखिए 2 गुणा में 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 2, देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, तो 6 आपको लिख देंगे। तो 2 3 हो गया, 3 3 6। अब सबका गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगी, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। इस तरह से इसका एलसीएम या लसापा 64 आ गया।
आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम भाग विधि से HCF भी कर सकते हैं। तो देखिए, भाग विधि से HCF करने के लिए चलिए हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, एक प्रश्न इस तरह का है, दिया गया है कि 117 और 221 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसमें भाग कर देंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे कि 221 में 117 से भाग देंगे। आपको ध्यान देना है, जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। तो आप भाग करेंगे तो जब भाग करेंगे तो एक कम बार जाएगा, देखिए एक के गया आ गया 117, यहाँ पर बचा कितना, 11 साथ गए, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 114 हो गया। अब आप फिर क्या करेंगे, इसके बाद आप सॉरी ये 104 होगा, 104 हो गया। इसके बाद आप अब 104 से 117 में भाग करेंगे, ऐसे ऐसे करके देखिए, फिर एक के जाएगा, ये आ गया 104, अब देखिए यहाँ पर आ गया 13 आ गया। अब इस 13 से फिर 117 में भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ गया 13 नवा 104 में भाग करेंगे 13 अट्ठा कितना जाएगा, 13 अट्ठा 104। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 13 अट्ठा 104 हो गया, और देख रहे हैं 13 नवा 117 भी हो रहा है। तो इसलिए तो HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF बराबर आ गया 13। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद